हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्पीकर के बारे में जानने वाले हैं जिसका यूज करके आप टॉप भी बना सकते हैं या फिर मॉनिटर्स के काम में भी ले सकते हैं, मतलब मॉनिटर भी बिल्ड कर सकते हैं। तो कौन से ब्रांड के तरफ से आता है, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इसका अभी का प्राइस क्या है वो भी जानेंगे, और इस स्पीकर को चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज करना सही रहेगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं पीओडीओ के तरफ से 15BM400B V3 मॉडल का स्पीकर। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सोनोटोन वेबसाइट पे, और यहाँ पे पीओडीओ द अल्टीमेट लाउड स्पीकर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिल जाएगा ये वाला स्पीकर का मॉडल पीओडीओ 15BM400B। ठीक है, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये पेज आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्पीकर का लुकिंग, तो काफी अच्छा लुकिंग यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पे लुकिंग यहाँ पे दिया गया इस स्पीकर को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्स वगैरह दिया गया, जो भी आप अपने कैबिनेट में इसको रख के यहाँ पे स्क्रू को टाइट करोगे, और इसका जो डस्ट कैप है तो यहाँ पे भी इस पीओडीओ का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है देखने में भी। उसके बाद फिर इसका जो है यहाँ पे पेपर कोन भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, और आप देख सकते हैं नीचे में जो स्पाइडर है तो वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वायर्स वगैरह को भी यहाँ पे अच्छे से लगाया गया। ठीक है, अब इसका बैक पैनल को भी देख लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैक पैनल का भी व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है, 15BM400B V3 मॉडल, 400W@8 ohm। ठीक है, BM सीरीज का ये स्पीकर है, प्रोफेशनल लाउड स्पीकर। तो पीओडीओ काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग माना जाता है प्रोफेशनल साउंड सिस्टम के मामले में, और इस स्पीकर को हम पर्सनली यूज़ भी कर रहे हैं, और भी कई तरह के मॉडल्स हैं चैलेंजर सीरीज का। ठीक है, तो वो भी स्पीकर का हम यूज़ कर रहे हैं सब ऊपर में जो आता है। उसके बाद फिर पीओडीओ का BM400B मॉडल का जो स्पीकर है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं इस स्पीकर के बारे में, पीओडीओ BM400B V3 मॉडल का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेसिस वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है, जो कि एल्युमिनियम का यहाँ पे यूज़ किया गया है, और आप देख सकते हैं टर्मिनल यहाँ पे कोई सोल्डिंग करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसको प्रेस करोगे और वायर को अंदर कर दोगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आसान काम कर दिया यहाँ पे पीओडीओ ने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीओडीओ का ब्रांडिंग, छोटा सा लोगो भी आपको मिलने वाला इंटीग्रेटेड एल्युमिनियम चेसी में ही। और हम आपको बताते हैं कि इस स्पीकर को ओरिजिनल पहचानने के लिए आप तीन स्टेप का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैग्नेट में जो स्टिकर जो सटा हुआ है, इस तरह का आपका होना चाहिए। इसका फॉन्ट मतलब इसका लिखावट आप देख सकते हैं, इस चीज़ को पीओडीओ का यहाँ पे मेंशन किया गया, और यहाँ पे चेसी में आपको यहाँ पे पीओडीओ जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी तरह यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो एक भाई छत्तीसगढ़ से हमसे कॉन्टैक्ट किए, बात किए, ठीक है, तो उनका कुछ एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आया था, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए। उसके बाद फिर उनका हमसे पूछे कि हम पीओडीओ का स्पीकर ले रहे हैं, सेकेंड हैंड बाय कर रहे थे, तो वो हमसे कुछ स्टेप पूछे कि हम कैसे जाने कि स्पीकर को हम ओरिजिनल कैसे पहचाने। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी काफी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे आपको चेसी में PA लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसा यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, तो काफी छोटा सा मिलता है, बीच में ही मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो आपका स्पीकर 100% डुप्लीकेट है, इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्टिकर सटा हुआ मिलेगा सीरियल नंबर, अगर वो नहीं है तो आप PA देख के पहचान सकते हैं कि आपका इस स्पीकर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह, तो ओरिजिनल का फिनिशिंग तो ओरिजिनल के जैसा ही मिलेगा, ठीक है, डुप्लीकेट का तो क्या ही कह सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज लुक हम आपको दिखाएं, अगर आपका पेपर एक बार भी चेंज नहीं हुआ तो सीरियल नंबर इसमें भी देखने को मिल जाता है, चेसी में भी एक स्टिकर सटा हुआ आता है, तो उन बातों का आप देख सकते हैं, और फिनिशिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टर्मिनल है यहाँ पे भी आपको PA लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि आपका इस स्पीकर डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। तो बात करते हैं इस स्पीकर का स्पेसिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन हर स्पीकर का आपको देखने को मिल जाएगा पीओडीओ के वेबसाइट पे। तो स्पेसिफिकेशन है इसका नॉमिनल डायमीटर 381 mm, मतलब 15 इंच आपको देखने को मिलने वाला है। पावर रेटिंग का बात करें तो 400W AES, ठीक है, RMS में करीब जाए तो 300W तक आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नॉमिनल इंपीडियंस 8 ohm
सेंसिटिविटी 97 डीबी, फ्रीक्वेंसी रेंज का बात करें तो 40 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज देखने को मिलने वाला है। चेसी टाइप है, कास्ट एल्युमिनियम, मैग्नेटाइट फेराइट, ठीक है। मैग्नेट वेट का भी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, वॉइस कॉइल डायमीटर 76.2 mm, मतलब 3 इंच आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। कॉइल मटेरियल भी यहाँ पे लिखा हुआ है SB-W। तो जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल चीज मेंशन किया हुआ है, कौन मटेरियल, पेपर और पेपर का साइज, क्वाइल का साइज आपको देखने को मिलने वाला है। स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स देख सकते हैं, RE 5.4 ohm वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया। तो स्पीकर का जो भी पैरामीटर्स चेक होता है तो वो सब आपको यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिलने वाला है। शायद ही कोई वेबसाइट यहाँ पे इतना डिटेलिंग दिखाए कि ये स्पीकर क्या है, RMS पावर है, AES पावर है, तो बहुत वेबसाइट में हम चेक किए तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे POAudio ने शो कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो अच्छा ही है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया गया है और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिला है। पैरामीटर्स की बात करें तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसका जो पीक पावर जो है 1600 वाट तक ये जा सकता है। एक्टिव बैलेंस कूलिंग आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेसिशन सर्कुलर वायर ज्योमेट्री और डाई कास्ट एल्युमिनियम चेसिस। तो काफी अच्छा मॉडल है, 15BM400B V3 POAudio का स्पीकर। तो ये था POAudio 15BM400B V3 का स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कि इस स्पीकर को मॉनिटर के यूज में चलाना सही रहेगा या फिर नहीं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मॉनिटर्स कस्टम बना सकते हैं, तो काफी अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, मॉनिटर्स में। तो यहाँ पे आप एक पेयर बना सकते हैं मॉनिटर का, ठीक है, 15 इंच का ये स्पीकर हो गया, फिर आप HF लगा लोगे तो अच्छा खासा आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करें कि इसमें टॉप भी बना सकते हैं या फिर नहीं, तो आप टॉप भी बना सकते हैं। तो ये स्पीकर का आप यूज करके टॉप भी बना सकते हैं, अच्छा खासा कैबिनेट ले लोगे। तो हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं टॉप बिल्ड करने पे, ठीक है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, तो वो हम डिटेलिंग आपको बता देंगे। अब बात करें कि इस स्पीकर को चलाने के लिए कौन से एम्पलीफायर, एकदम नीचे से कौन सा एम्पलीफायर लें और हायर में कितना तक जाए, ठीक है। तो कम से कम आपको ये स्पीकर चलाने के लिए, अगर आप दो स्पीकर चला रहे हैं तो 400-800 वाट हो गया, ठीक है। तो आप स्ट्रेंजर PVT-501 का यूज कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर हायर में जाए तो 700 वाट तक चला सकते हैं दो स्पीकर के लिए। तो दो टॉप के लिए कितना वाट का एम्पलीफायर रखें मिनिमम में, कम से कम 1000 वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए। स्ट्रेंजर का ले लें या फिर अहूजा का ले लें, ठीक है, 1200 तक भी जा सकते हैं, और जाना है तो और भी जाइए तो और अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। तो कम से कम 1000 वाट का एम्पलीफायर रखिए तो अच्छा खासा आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हायर में जाना हो तो अगर आप दो टॉप चला रहे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल टॉप चला रहे हैं, तो आप A+VAP5500 एम्पलीफायर का यूज करोगे तो काफी अच्छा आउटपुट रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। उससे हायर में जाना है तो आप NX Audio का RX 4000 में जा सकते हैं, RX 5000 भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत वैरायटी आपको एम्पलीफायर में देखने को मिल जाएगा, तो तरह तरह के वैरायटीज को भी चेक कर सकते हैं। तो इस स्पीकर का यूज करके आप कस्टम मॉनिटर भी बिल्ड कर सकते हैं या फिर आप इसका टॉप भी बना सकते हैं, तो काफी अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस स्पीकर का अभी का प्राइस क्या है वो भी बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा, करीब 7000 के आसपास। तो हम बिहार भागलपुर से हैं तो यहाँ पे इसका 6500 भी हो जाता है, कभी कभी 6800 भी हो जाता है, कभी 7000 के भी पार चले जाता है। तो आपके एरिया के हिसाब से ये प्राइस सेट होता है, ठीक है। तो जगह जगह पे इसका प्राइस आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो किसी डीलर से कांटेक्ट करो तो आपको प्राइस में और डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक आंकड़ा मिल गया इंडिया मार्ट में 7000, ठीक है, तो प्राइस में ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको हिचकिचाना नहीं है, ये स्पीकर काफी रफ एंड टफ है, आप इसका यूज करके अच्छा खासा टॉप या फिर कस्टम मॉनिटर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था POAudio BM400B V3 वर्जन का स्पीकर। तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताएं कि इस स्पीकर को लेके आप कैसे टॉप बना सकते हैं, कैसे मॉनिटर भी बना सकते हैं, इसका प्राइस, तो यहाँ पे हम आपको सब कुछ क्लियर कर दिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप टॉप बनाने के लिए सोच रहे हैं POAudio स्पीकर का यूज करना चाहते हैं और अच्छा खासा कैबिनेट भी मिल जाए तो यहाँ पे हम पूरा कस्टम बिल्ड किए हैं, तो एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।